मतदाताओं पर लगी हुई है। 9 जिलों में मतदान और वो जिले आपको ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं, लखीमपुर खीरी, सीतापुर में भी मतदान होगा और साथ ही साथ हरदोई में भी चौथे चरण में ही मतदान होना है। सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है तो 9 जिलों की सीटों पर मतदान हो रहा है। लखीमपुर खीरी, हरदोई, सीतापुर, लखनऊ में भी चौथे चरण के तहत ही मतदान होगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी और राजनीति का केंद्र कहा जाता है और लखनऊ में भी चौथे चरण के तहत ही मतदान होगा। उन्नाव इसी कड़ी में शामिल है और चौथे चरण के तहत ही उन्नाव में भी वोटिंग होनी है। तो ग्राफिक्स के जरिए ये 9 जिले आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर वोटिंग होगी। रायबरेली में भी चौथे चरण के तहत ही वोटिंग होगी। जी हाँ, कांग्रेस का गढ़ कहा जाने वाला रायबरेली, ये किला भेदने में कामयाब हुई थी भारतीय जनता पार्टी, अब वहां पर भी मतदान हो रहा है चौथे चरण में और फतेहपुर भी इसी में शामिल है। तो ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, ये 9 जिले जहां पर वोटिंग होनी है। यूपी केरल में चौथे चरण के तहत 9 जिलों में वोटिंग। बांदा में भी चौथे चरण के तहत वोटिंग होगी, मतदान होंगे। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और यूपी करण सचकर तैयार हो चुका है क्योंकि चौथे चरण में इन 9 जिलों में मतदान होने हैं और 59 विधानसभा सीटों के लिए कुल 624 उम्मीदवार मैदान में हैं। आइए जानते हैं इस चरण में कौन कौन सी हॉट सीटें हैं। तो लखनऊ कैंट चौथे चरण की सबसे हॉट सीट, इसी को लेकर लगातार यहां पर जब टिकट बंटवारे की बात सामने आई थी तो हॉट माना जा रहा था। सरोजनी नगर लखनऊ, पति पत्नी के ड्रामेबाजी सड़क तक आ गई थी और यहीं से इस बार अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से ब्रिजेश पाठक को उतारा गया है, यानी चौथे चरण की सीट जो है ये हॉट सीट आपको हम बता रहे हैं। पूर्वा और उन्नाव से पूर्वा सीट हॉट सीट बनी हुई है तो चौथे चरण का रण यहां पर तेज होता हुआ नजर आ रहा है। चौथे चरण की हॉट सीटें आपको हम बता रहे हैं। रायबरेली भी हॉट सीटों में से ही एक है और यूपी का रण सचकर तैयार हो चुका है। चौथे चरण के तहत यहां पर वोटिंग होनी है लेकिन हॉट सीटें आपको हम बता रहे हैं। ऊंचा हार में भी राजनीतिक समीकरण काफी बदले हुए से नजर आ रहे हैं जिसके चलते ये कुछ सीटें हॉट सीटें बनी हुई हैं। और अगर बात की जाए लखनऊ कैंट की तो बेहद हॉट सीट मानी जा रही है क्योंकि जिस तरह से लगातार यहां पर दिग्गजों के द्वारा टिकट को लेकर मांग की जा रही थी इसके बाद से ही ये सीट हॉट सीट पर काबिज है। सरोजनी नगर लखनऊ भी हॉट सीटों में से ही एक माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी का लखनऊ और राजनीति का केंद्र भी मानते हैं हम, यहां से काफी कुछ समीकरण बदलते हुए नजर आते हैं। और चौथे चरण की हॉट सीटों में उन्नाव की पूर्वा विधानसभा सीट भी शामिल है। जी हां, उन्नाव की पूर्वा विधानसभा सीट भी चौथे चरण की हॉट सीटों में से ही शामिल है। और रायबरेली की बात की जाए तो रायबरेली भी चौथे चरण की हॉट सीट मानी जा रही है। तो रायबरेली चौथे चरण की हॉट सीट है और यहां पर भी मुकाबला बेहद दिलचस्प। चौथे चरण की हॉट सीटों में ऊंचा हार भी शामिल है तो यूपी का रण है और चौथा चरण है और ये चौथे चरण की कुछ हॉट सीटें आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ कैंट बेहद हॉट सीट क्योंकि मुकाबला यहां पर कड़ा देखने को मिलने वाला है और कल इसी कड़ी में यहां पर मतदान होने हैं। तो यूपी का रण, चौथा चरण और सरोजनी नगर लखनऊ, ये कुछ सीटें ग्राफिक्स के जरिए आपको हम लगातार दिखा रहे हैं जो हॉट सीटें मानी जा रही हैं। और यूपी के चुनाव के चौथे चरण 9 जिलों में से 4 जिलों में बीजेपी ने क्लीन स्वाइप किया था और विपक्ष को एक भी सीट नहीं मिली थी। तो 17 का रिपोर्ट कार्ड आपको हम बता रहे हैं जहां पर पीलभीत की 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा है। अगर 17 की बात की जाए तो 2017 में इस तरह के नतीजे सामने आए थे। लखीमपुर खीरी की 8 सीटों पर बीजेपी ने ही कब्जा किया था, यानी 8 की 8 सीटें बीजेपी के कब्जे में थी। लेकिन इस बार लखीमपुर खीरी चर्चा का विषय है, देखना होगा समीकरण किस ओर बैठते हैं। 17 के रिपोर्ट कार्ड में बांदा में 6 में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास, यानी 6 से 4 सीटों पर काबिज थी बीजेपी। लेकिन हरदोई की 8 में से 7 बीजेपी के पास थी और 1 सीट समाजवादी पार्टी के पास थी, यानी कुल 8 सीटें जो हरदोई में है उनमें से 7 भारतीय जनता पार्टी के पास और 1 सीट सपा के पास। सीतापुर में 9 में से 7 बीजेपी, 1 बसपा और 1 सपा के पास थी। तो ये रिपोर्ट कार्ड आपको हम बता रहे हैं 17 का, जहां पर लखनऊ की 9 सीटों में बात करें तो 8 सीटें बीजेपी और 1 सीट सपा का कब्जा था। तो 17 का रिपोर्ट कार्ड हमने आपको बताया। यूपी का रण, चौथा चरण सच चुका है और चौथे चरण के तहत कल यानी कि 23 फरवरी को मतदान होना है। उन्नाव की 6 सीटों में से 5 बीजेपी और 1 बसपा ने जीती थी। जी हां, 17 के रिपोर्ट कार्ड की हम आपको अहम बातें बता रहे हैं। उन्नाव में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं जिनमें से
5 भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में थी और 1 सीट बीएसपी के कब्जे में थी। फतेहपुर में से 6 में से 5 पर बीजेपी, 1 पर अपना दल ने कब्जा किया था। तो ये बड़ी बातें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। पीलीभीत में 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा था। रायबरेली की बात की जाए तो यहां पर भी लगातार भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ में आई थी। तो यूपी का रण है और चौथा चरण है, इसी को लेकर अब लगातार बातचीत करें। हमारे साथ में अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे पूरा हाल, आखिर किस तरह की तैयारी है कल के मतदान को लेकर। हमारे साथ में अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में धर्मेंद्र सिंह चौहान पीलीभीत से हमारे संवाददाता हैं, और साथ ही आलोक मिश्रा संवाददाता हैं हरदोई से, मनीष अवस्थी संवाददाता है रायबरेली से, और आमिर रजा लखीमपुर खीरी से, अरुण अवस्थी उन्नाव से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, और साथ ही साथ अनवर रजा बांदा से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अरुण अवस्थी जी के पास चलते हैं, उन्नाव से हमारे साथ में। अरुण जी, उन्नाव में 6 विधानसभा सीटें हैं, 6 में से 5 17 में बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में आई थी, लेकिन इस बार जब कल मतदान होना है तो जनता की हवा, जनता का मूड किस ओर नजर आ रहा है? जिस तरीके से 2017 की अगर बात की जाए तो 2017 में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पास में 5 सीटें थी और 6 सीट जो पूर्वा की थी, जिस जहां से बसपा के अनिल सिंह थे, हालांकि वो बाद में भाजपा में ही शामिल हो गए और इस बार भाजपा के प्रत्याशी के रूप में पूर्वा से चुनाव लड़ रहे हैं। 2022 की बात करें तो 2022 में निश्चित रूप से उन्नाव जिले में सपा और भाजपा के बीच में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। वहीं अगर 2017 से पहले की बात करें तो ये कभी सपा का गढ़ हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में यहाँ पे 6 सीटों पे कांटे की टक्कर देखी जा रही है। निश्चित रूप से इस गढ़ को अपने कब्जे में करने के लिए सपा और भाजपा दोनों ही प्रयासरत है। सबसे पहली सभा गृह मंत्री भारत सरकार अमित शाह की हुई थी, जहां से माहौल बनाने का प्रयास किया गया था भाजपा के द्वारा। उसके बाद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम लगातार उन्नाव में सभाएं कर रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो 8 दिन में 3 सभाएं समाजवादी पार्टी के मुखिया के द्वारा भी उन्नाव जिले में की गई है। अलग अलग विधानसभाओं में सपा मुखिया के द्वारा इस तरीके की सभाएं की गई हैं। अब देखना यह होगा, चूंकि कल बुधवार को मतदान होना है और उन्नाव जिले की 6 सीटों पर मतदान होना है, जहां लगभग 23 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। जिला प्रशासन के द्वारा निश्चित रूप से कड़ी तैयारी की गई है। पहली बार ऐसी व्यवस्था हो रही है जब हर बूथ पे अर्धसैनिक बल की तैनाती की गई है। परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, इस तरीके की बात जिला प्रशासन के अधिकारी कर रहे हैं। निश्चित रूप से कड़ा मुकाबला कल का इंतजार है। पूरी तस्वीर जो है वो कल ही साफ हो पाएगी कि किस हद तक जनता मतदान करने के लिए पहुंचती है और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करती है। धर्मेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं पीलीभीत से, हमारे संवाददाता। धर्मेंद्र, पीलीभीत की बात की जाए तो 4 विधानसभा सीटों में से 4 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा 17 में रहा था, लेकिन 22 के चुनाव में किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? मतदान को लेकर क्या कुछ खास तैयारियां पीलीभीत में हो चुकी हैं? भारतीय जनता पार्टी के पास थी बीसलपुर सीट, लेकिन जब 17 का चुनाव हुआ, 17 में 4 विधानसभा पे बीजेपी ने अपना परचम लहराया था। अब 2022 की बात करें तो 22 में सपा और भारतीय जनता पार्टी दोनों में कांटे की टक्कर है। अब 10 तारीख के बाद ही पता लगेगा किसका परचम लहराता है जी। और बात करें यहाँ व्यवस्था की, तो सुरक्षा व्यवस्था से लेके प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर रखी है, और आज जो है जो पार्टियां रवाना होनी थी पार्टियां रवाना हो चुकी हैं, और हमारे पीलीभीत में जो जिला अधिकारी पुलकित खरे हैं उनके देखरेख में इस बार चुनाव का कार्यक्रम हुआ है। तो वैसे तो 4-5 बज जाते थे पार्टियां रवाना होते हुए, आज अभी 2:30 बजा है और सारी पार्टियां रवाना हो गई हैं जी। बिल्कुल, हमारे साथ में लखनऊ से हमारे संवाददाता चंद्रमणि शुक्ला भी जुड़ चुके हैं। चंद्रमणि के पास चलते हैं। चंद्रमणि, अगर बात की जाए लखनऊ की, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और राजनीति का केंद्र है। लखनऊ सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी सीटें वहां पर कब्जा की थी, लेकिन अगर 2022 की बात करें किस तरह का माहौल नजर आ रहा है, क्योंकि लखनऊ से सांसद हैं राजनाथ सिंह, तो कहीं कहीं अगर लखनऊ में कम सीटें आती हैं तो फिर वहां पर भी थोड़ा सा माहौल भी नजर आएगा। फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास? अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ से राजनाथ सिंह सांसद हैं, वहीं कौशल किशोर भी जो यहां से सांसद हैं, और दोनों मंत्री हैं, और शायद ही प्रदेश का या देश का कोई ऐसा जिला हो जहां से 2 सांसद आते हों और दोनों ही केंद्र में मंत्री हों। तो निश्चित तौर से ये भाजपा की साख के लिए सबसे बड़ा गढ़ है, क्योंकि अगर राज्य सरकार की भी बात करें तो राज्य सरकार में भी अगर किसी जिले से सबसे ज़्यादा मंत्री थे तो लखनऊ से ही थे। तो अब लखनऊ में से जब
पद देने थे तो लखनऊ को बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी दी गई। तो अब यहाँ के मंत्री और यहाँ के नेताओं की जिम्मेदारी है, जो भाजपा सत्ताधारी दल है उसको यहाँ पर सीटें जितवा कर दे। अगर राजनीतिक समीकरण की बात करें तो लखनऊ में इस समय समाजवादी पार्टी और भाजपा में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, जहाँ हर एक सीट पर अगर बात करें, चाहे लखनऊ मध्य की बात करें, पश्चिमी की बात करें, उत्तरी की बात करें, सरोजनी नगर की बात करें, मलिहाबाद की बात करें, तमाम जो सीटें हैं वहाँ पर नेट टू नेट फाइट चल रही है। अब ये देखना होगा कि कल जनता किस तरह से वोटिंग करती है और किस तरह किसके प्रति रुख अपनाती है, क्योंकि अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में, अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में अलग मुद्दे होते हैं और जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो यहाँ की जनता अलग वोटिंग करती है। हालांकि अगर बात करें, पुराना इतिहास रहा है लखनऊ का, लखनऊ की जनता लगातार भाजपा को वोट करती आई है। इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ से सांसद रहे, फिर राजनाथ सिंह यहाँ पर सांसद हैं। तो अब लखनऊ की जनता पर बहुत कुछ निर्भर करेगा और कल के परिणाम देखने वाले होंगे कि किसको जनता चुनती है और किस तरह से वोटिंग होती है, सब कल स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज लखनऊ में जो मतदान की है वो तैयारियां कर ली गई हैं, जो यहाँ के जिलाधिकारी हैं वो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने एक पहल भी लगा रखी है कि जो पहला वोटर किसी भी बूथ पर वोट देने जाएगा उसके नाम से वृक्ष लगाया जाएगा। तो तमाम तरह के जो जिला प्रशासन की तरफ से हैं वो जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और जो पोलिंग पार्टियों की बात करें वो भी रवाना कर दी गई हैं पोलिंग बूथ के लिए। तो तमाम तरह की तैयारियां हो चुकी हैं और अब बस कल का इंतजार है। जी बिल्कुल, यानी पूरी कोशिश कर ली गई है ताकि जो मतदान प्रतिशत है उसको भी बढ़ाया जा सके और लगातार कोशिश की जा रही है प्रशासन की ओर से भी तैयारियां जो हैं वो करी जा रही। अबरार अली हमारे साथ में है सीतापुर से। अबरार, सीतापुर में फिलहाल किस तरह का माहौल नजर आ रहा है, मतदान को लेकर किस तरह की तैयारियां सीतापुर में फिलहाल दिखाई दे रही है? सीतापुर में अगर मतदान की बात की जाए तो यहाँ पर प्रचार प्रसार के लिए जिलाधिकारी और के लिए प्रशासन लगा हुआ है, लगातार जागरूक किया जा गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें और वहाँ पर पोलिंग बूथ पर जाकर मतदान किया जाए। और अगर यहाँ पोलिंग बूथ की बात की जाए तो यहाँ पर बनाए गए हैं, उसके बाद आज पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई हैं, जिसको लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं और यहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि सीतापुर की बड़ी विधानसभा है, क्योंकि यहाँ पर सीतापुर में 9 विधानसभा क्षेत्र आता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर राजनीतिक और लोगों की निगाहें ज्यादा लगी रहती हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा विधानसभा क्षेत्र में सीटें सीतापुर की 9 विधानसभा में होती हैं। जी बिल्कुल, यानी पूरी कोशिश जो है वो लगातार कर ली गई है। आलोक मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरदोई से। आलोक, कल हरदोई में भी विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, मतदान को लेकर क्या कुछ खास तैयारियां हैं, किस तरह का माहौल जनता के बीच नजर आ रहा है? हरदोई जिला भी बहुत महत्वपूर्ण है 9 जिलों में। जो हरदोई जिले में जो हरदोई सदर सीट है वो 42 साल से नरेश अग्रवाल के खाते में रही है। ये सीट बहुत ही प्रतिष्ठित मानी जाती है। पिछले 2017 में यहाँ पर भाजपा ने 7 सीटें जीती थी, जबकि नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल ने 7वीं सीट सपा से हासिल की थी। आज वो इस बार वो बीजेपी में है और बीजेपी से लड़ रहे हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी से इस बार यहाँ पर कितनी सीटें निकलती हैं और सीट पर क्या प्रतिष्ठा रहती है उनकी। बिल्कुल, आने वाले वक्त के साथ में तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। आमिर रजा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं लखीमपुर खीरी से। आमिर, लखीमपुर खीरी की बात की जाए तो 8 विधानसभा सीटें हैं कुल और 8 की 8 पर भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा 2017 में रहा था, लेकिन 22 में समीकरण पूरी तरह से बदल चुके हैं लखीमपुर खीरी के, क्योंकि जिस तरह से चर्चा का केंद्र बन गया लखीमपुर खीरी, क्योंकि किसान आंदोलन में जो भागीदारी आशीष मिश्रा वाले कांड के बाद हुई वो बेहद अहम है। क्या लगता है इस बार लखीमपुर खीरी की जनता विकास के मुद्दों को लेकर वोट करेगी या फिर लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुई वो अभी भी वोटर के मन में बनी हुई है? देखिए, अगर लखीमपुर की बात करें तो लखीमपुर में दोनों मुद्दे चल रहे हैं। एक तरफ जहां मतदाताओं के बीच में ये मुद्दा है वो है विकास का मुद्दा, और सफलता असफलता की बात हो रही है कि प्रदेश सरकार ने क्या सफलता हासिल की, क्या असफलता हासिल की। लेकिन अगर राजनीतिक मंच की बात करें तो राजनीतिक मंच से लगातार जब 3 अक्टूबर के किसान आंदोलन के दौरान जो घटना हुई उस घटना को लगातार दोहराया जा रहा है और विपक्षी लगातार यह कोशिश कर रहे हैं कि जो घटना हुई है उसका राजनीतिकरण किया जा सके, उससे मतदाताओं को उससे छिन्न किया जा सके बीजेपी। हम आपको बता दें कि बीजेपी जहां लगातार शुरुआत से ही आशीष मिश्रा और उनके पुत्र के साथ दिखाई दे रही थी, अब यहां पर प्रतिष्ठा बीजेपी की लगी हुई है कि खास करके ये 8 सीटें क्योंकि अभी तक बीजेपी के खाते में थी, वो बीजेपी के खाते से अगर फिसलती है तो कहीं ना कहीं स्पष्ट होगा कि इसका असर इस चुनाव में हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री
जब यहाँ पर अजय मिश्र सैनी को बनाया गया था तो उसे दो चीजें थी, एक तो जो 8 सीटें हैं उनको साधने की कोशिश की गई थी, उसके अलावा जो ब्राह्मण मतदाता है उनको साधने की कोशिश की गई थी। इसी इसके अलावा हम बता दें आपको जिला लखीमपुर का जिला है जहाँ 2 संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पर धौरहरा और लखीमपुर दो है। तो दूसरे सांसद की अगर बात करें तो रेखा वर्मा को इतना बड़ा पद दिया गया बिल्कुल था जो बिल्कुल, यानी लखीमपुर खीरी में भी मिले जुले समीकरण नजर आ रहे हैं और देखना होगा कि आखिर किस तरह के जो नतीजे हैं वो सामने आते हैं 17 जैसे ही या फिर कुछ नया बदलाव इस बार जनता करती है। हमारे साथ में अनवर रजा बांदा से जुड़े हुए, अनवर के पास चलते हैं। अनवर बांदा से क्या कुछ अपडेट है, जनता किन मुद्दों पर इस बार मतदान करेगी? अनवर आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। देखिए जनता की बात करी जाए तो 2017 में 1900 सीटें बुंदेलखंड की भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थी और भारतीय जनता पार्टी जनता बदलाव चाहती थी और बदलाव करके उन्होंने देखा, लेकिन इस बार जो जनता है वो मूड बना चुकी है, बदलाव की बात भी कह रही है, कुछ लोग रिपीट की बात कर रहे हैं। और जैसा कि आपको बता दें कि बांदा की बुंदेलखंड की 19 सीटों के साथ साथ बांदा चारों विधानसभाओं की चारों सीटों में भाजपा के प्रत्याशी जीते थे, उसके साथ साथ यहां पर जितने भी राजनीतिक दल के लोग थे, और मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूंगा तो पीएम मोदी ने यहां बुंदेलखंड से ही मोहब्बत ही शुरुआत करी थी, अपने चुनाव का प्रचार का शुरुआत करी थी, और इसके बाद तमाम दलों के लीडर और भाजपा के तमाम लीडर यहां पर आए और बड़ी पार्टी की टक्कर है भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में, इस बार जोरदार से टक्कर है। हम बात करें व्यवस्था की तो 1507 पोलिंग बूथ बनाए गए हुए जिसमें वोटिंग होगी, और जिला अधिकारी ने बताया है कि हर जगह कोरोना गाइड बिल्कुल, यानी सभी तैयारियां जो है वो मतदान को लेकर हो चुकी है। हमारे साथ मनीष अवस्थी लगातार बने हुए रायबरेली से, उनके पास चलते अपडेट देते। मनीष रायबरेली में फिलहाल क्या कुछ जानकारी, क्योंकि लगातार जो सभी पार्टियां हैं वो कोशिश कर रही हैं, कांग्रेस पार्टी जोरदार कोशिश करती हुई नजर आ रही है अपने गढ़ में वापसी करने के लिए। जी बिल्कुल, जिस तरह बात करें अगर रायबरेली की तो रायबरेली कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, सोनिया गांधी का सांसदीय क्षेत्र भी है, लेकिन पिछली बार अगर बात करें 2017 की तो 2017 में भी बीजेपी ने यहाँ सेंध लगाकर 3 सीटें हासिल कर ली थी और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आई थी। अगर सपा की बात करें तो सपा को 1 सीट मिली थी, लेकिन आज की 2022 के चुनाव की बात करें तो 2022 में जो सपा ने सपा की सीट थी वो हर सीट मारी जा रही है जो की उच्च 4 सीट है। अब देखना यह है कि 10 तारीख की जो जनता का रुख है वो बिल्कुल 10 तारीख के बाद ही सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा। हमारे साथ में नफीस जाफरी हैं, संवाददाता हैं फतेहपुर से। नफीस, जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया, क्या कुछ तैयारियां हैं मतदान को लेकर? नफीस हमारे साथ में, नफीस से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ में पवन जुड़े हुए हैं, पवन आपके पास क्या कुछ अपडेट? पवन आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, अपना फोन अनम्यूट करें। जी हेलो जी, पवन अपनी बात पूरी करिए फटाफट। जी लखनऊ जिले में लगभग 9 सीटें हैं जिन पर कल मतदान होना है, जिनकी तैयारियां आज पोलिंग पार्टी यहां से रवाना कर दी गई हैं। पोलिंग पार्टियों को ईवीएम दिया है, ईवीएम चेक करने के बाद वो अपने गंतव्य को प्रस्थान किए हैं। आपको बता दें कि जो 9 सीटें हैं पिछले 2017 के विधानसभा चुनाव में, इसमें से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी और 1 सीट केवल मोहनलालगंज विधानसभा समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। इस बार की बात की जाए तो सरोजिनी नगर और कैंट सीट हार्ड सीट बनी हुई है। सरोजिनी नगर से पिछली बार स्वाति सिंह यहां से जीती थी और मंत्री बनाई गई थी। इसके अलावा जो कैंट सीट है वहां से प्रत्याशी ब्रजेश पाठक जो पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री थे वहां से, बिल्कुल यानी यहां पर भी जो समीकरण है वो काफी अलग नजर आ रहे हैं और देखना होगा कि 10 मार्च को किस तरह की तस्वीर सामने आती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अधिक अपडेट हमारे के न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो यूपीकरण है और चौथा चरण है और चौथे चरण के तहत कल यानी कि 23 फरवरी को मतदान होंगे जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। के न्यूज पर इस को लेकर महाकवरेज देखना मत भूलेगा। और फिलहाल मेरे साथ आज इतना ही, आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी किचन किंग मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। सारथी जुबान लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर।
खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो, जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। यूपी में थम गया चौथे